जिससे हमारी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। सेकंड थिंग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मोबाइल। पहले जो हमारे गेम्स थे वो हमारे सारे फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते थे, चाहे हम घर पे खेले या घर से बाहर खेले। अब जितने भी गेम्स आ रहे हैं वो सब के सब आ रहे हैं मोबाइल्स में, तो हमने सारा अपना जो टाइम है, अपना फिजिकल एक्टिविटी का जो समय है, वो हमने रख दिया है मोबाइल पे। तो सबसे पहले अगर हमें उभरना है इन चीज़ों को, तो सबसे पहले इस चीज़ को मिनिमाइज करना होगा। जितना कम टाइम पे हम इन चीज़ों को ठीक करेंगे, उतना हम आगे और अच्छा कर सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक पर्सन के लिए, ना कि किसी स्पेशल के लिए, बल्कि हर एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस टाइम पे जो हम लोग खुद फील करते हैं कि वैक्सीन अभी तक मार्केट पे नहीं आई है, और इवन बहुत सारे वैज्ञानिक संस्थाएं इन चीज़ों पर लगी हुई है, तो सभी का कहना एक ही बात है। इवन WHO का भी कहना यही है कि अगर इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहेगा तो हम इस कोविड से हम बहुत हद तक लड़ाई जीत सकते हैं। तो मेरा कहना यह है, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने वर्कआउट को स्टार्ट करना होगा। वर्कआउट इन द सेंस लाइक कि सबसे पहले टाइम शेड्यूल बनाना है कि उठना कितने बजे। कुछ लोगों के, आप जैसे कह रहे हैं कि सर कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, कि कई लोग तो रातों भर टेंशन के मारे नहीं सो रहे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यही प्रॉब्लम है कि वो सो इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम सुबह नहीं उठे। अब एक दिन प्रॉब्लम होगी जरूर आपको, फर्स्ट डे पे आप 1 वीक तक, एक दिन से स्टार्ट करके 1 वीक तक अगर आप मुश्किल से भी सुबह उठना स्टार्ट करेंगे, हम डेफिनेटली डेफिनेटली 100% श्योर हूं मैं कि आप 10 से 11 बजे तक आपको नींद अपने आप आ जाएगी। तो सबसे पहला काम जो ये करना है वो सुबह उठना है। अगर आप सुबह उठेंगे तो आपको सबसे पहले जो हमारी विटामिन डी, जो मॉर्निंग में सबसे बेस्ट मानी जाती है, जैसे कि नरेश सर जानते हैं इन चीज़ों में, कि वो स्पोर्ट टीचर हैं, स्पोर्ट्स कोच हैं, तो सुबह की जो पहली किरण होती है तो उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत हद तक हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। सेकेंड, जो सुबह का जो वातावरण होता है वो अच्छा होता है। तो आप अगर पहला कदम उठाएंगे कि सुबह उठने का, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब आप सुबह उठेंगे तो रात को नींद अच्छी आएगी, नींद आएगी तो आपकी जो डिप्रेस है वो कम होगी। तो डिप्रेस कम होगा तो आपके एक्टिविटी, जो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी इम्प्रूव होगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका मेंटली डिप्रेस आप बहुत ज़्यादा है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आपका कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ नेक्स्ट कदम आता है हैप्पीनेस का। अगर आप खुश है तो बाकी चीज़ें अपने आप, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर आपके आउट ऑफ स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये सारी भी ठीक होने लग जाती है। तो हैप्पीनेस रखने के लिए आपको थोड़ा सा सारे पेरेंट्स को, और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे अभी जुड़े हुए इस प्रोग्राम में, उन सबको बताना चाहूँगा कि इस सब से बचने के लिए भी थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस इन द सेंस कि रोज COVID-19 के बारे में नहीं सुनना, आप थोड़ा सा अपने प्रति, अपना जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो पेरेंट्स को सोचने दीजिए, मतलब पेरेंट्स सोचे बच्चों तक ना जाए कि क्या हो रहा है। प्रिकॉशन पूरा रखना है, अगर प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रिकॉशन के साथ आप अपने बच्चों को और खुद को प्रिकॉशन रखिए कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि हेलो टोन भी बना दिया है, रिंग टोन भी बना दिया है, तो आप उन सबको सुन ही रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि थोड़ा सा अगर प्रिकॉशन के साथ हम चलेंगे और अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस लड़ाई से लड़ने में, मतलब जीत नहीं हो सकती, हम 100% जीत सकते हैं, और इवन मानव जाति के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। अब आते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। मेरी एक स्टूडेंट थी अपर्णा, ऑलमोस्ट 19 तो 20 ईयर्स की है, और एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो एक्टिविटी की मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट 19 ईयर्स की है वो, और उससे एक पानी की, पानी का जो अपन देखते हैं कि जो गैलन आता है वो ऑलमोस्ट 20 kg का होता है, वो नहीं उठा पा रही थी। और मैंने उस दिन सीखा, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए इस बात को, और मैंने उस दिन सीखा, मैं जस्ट बैठा ही था कोर्ट पे और बच्चों को देख रहा था, तो एक छोटा बच्चा ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, यानी सॉरी सिक्स सिक्स क्लास में था, मतलब 9th 10th 11th 11 ईयर्स का बच्चा था वो, और उसकी एक्टिविटी देखी कि वो उस गैलन को पूरा उठा के लेके आया और मुझे कहा कि सर अब मैं इसे नहीं लगा सकता, तो आप किसी बड़े बच्चे को बोल दीजिए आप लगा दीजिए। मैंने उस दिन देखा कि वो बच्चा जो था वो इसलिए फिट था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था अपने घर पे। और यही प्रॉब्लम चल रही है हमारे पेरेंट्स की कि बच्चों को आज के टाइम में घर से बिल्कुल काम नहीं करा। आप अगर घर के काम में थोड़ा सा अगर कहेंगे ना उनसे कि थोड़ा भागीदारी करिए, तो मुझे लगता है आधी एक्टिविटी तो उसमें भी आ जाती है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी सोचना होगा कि हमें अपने बच्चों को नहीं भूलने देना है कि ये सब कुछ
हम जो कर रहे हैं ये हमारा समाज के प्रति, हमारे प्रति खुद का दायित्व है। ये जो हम कर रहे हैं इसमें समाज से भी सुधार होगा और हमें अपने शरीर के प्रति भी सुधार होगा। अब मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ, तो अपने लाइफ से COVID-19 में मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा उसके बारे में छोटा सेक्शन में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने कोशिश करी, क्योंकि ओलंपिक का रेस था, ओलंपिक अब सबका ड्रीम्स होता है, मेरा भी ड्रीम्स था, और नहीं पता कि अगर इस साल ओलंपिक नहीं होता तो आगे वाले आने वाले 4 साल में क्या होना है, नहीं पता बॉडी लैंग्वेज सही रहती कि नहीं रहती, या हम लोग कितने फिट रहते हैं नहीं फिट रहते, या फिर नेक्स्ट ईयर ओलंपिक में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता। तो सबसे पहले मैंने जो कोशिश करी अपने आप से, और मैं ये सबको कहूंगा कि सबसे पहले खुश रहिए। सेकेंड थिंग, जब मैंने दोबारा सोचा कि अगर बाई चांस हो गया और एंड वक्त पे अनाउंस हो गया कि ओलंपिक होने हैं तब क्या होगा, तो मैंने डिसाइड करा कि जो मेरे पास है, जहां मैं हूं, जिस जगह हूं, उन चीजों को अगर हम ये सोचे कि ये सबसे बेस्ट है और हमारे पास सारी फैसिलिटी जो पहले थी, हम अगर ये सोचे कि पहले जो इससे पहले जो मैं कुछ नहीं था उससे पहले जो मेरे पास फैसिलिटी थी आज भी वही है, तो अगर मैं ये सोचूं कि जो मैं पहले था और यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे उन चीजों का ही साथ मिला, तो मैं क्यों ना सोचूं कि आज मैं दोबारा से जीरो से स्टार्ट करूं। मैं क्यों ना सोचूं कि जो फैसिलिटी हमने देखी है उसको भूल के जो फैसिलिटी पहले थी उस चीज को दोबारा अपनाया जाए। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए जिससे कि छोटा सा छत है हमारा, कोशिश करता हूँ कि उसी में कोर रनिंग हो जाए, कोशिश करते हैं उसी में जॉगिंग हो जाए, कोशिश करते हैं उसी में स्किपिंग रोप की ज्यादा जगह चाहिए, कोशिश करते हैं स्किपिंग रोप हो जाए, सीनियर पुलअप्स हो जाए, छोटे डंबल्स की जगह ईटे ही उठाने स्टार्ट कर दिया हमने। मेरा कहना सिर्फ यह है, कंप्लेन करना छोड़ना होगा हमें अपने आप से कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। भैया जब आप कुछ नहीं थे तब तो आपने किसी से कंप्लेन नहीं करा, आज आप कुछ बन जा रहे हैं या कुछ बनने की कगार पे हैं तब आप कंप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं टीचर से, पेरेंट्स से, अपने कोच से, गवर्नमेंट से कि ये नहीं है वो नहीं है। अरे सबसे पहले आप अपने आप को तो साबित करिए, आप अपने अंदर से तो साबित करिए कि आप कौन है। आप सोचिए इस बारे में कि भैया आपको अगर कुछ बनना है तो सबसे पहले आपको लड़ना है, दुनिया से नहीं खुद से लड़ना है सबसे पहले कि आपको क्या करना है। तो इस COVID-19 में मैं तो सबसे यही कहूंगा कि हम लोग जो एक चीज भूल गए हैं कल्चर स्पोर्ट्स का, और हमारा जो कल्चर था वो बहुत अच्छा था, चाहे वो आप गिल्ली डंडा कह लीजिए, बॉल डंडा कह लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, बैडमिंटन ले लीजिए, कुछ ऐसे गेम कबड्डी ले लीजिए, जो कि ऐसे गेम से पतंग उड़ाना ले लीजिए, सारी चीज में हम लोग वर्कआउट ही उसके स्टार्ट करते थे, सारी चीजें वर्कआउट वर्कआउट होता था, हम मतलब छुपन छुपाई खेलते थे उसमें भी वर्कआउट था। आज के टाइम में हम क्या हो गए, सारे चीज मोबाइल में हो गया, आप क्रिकेट खेलना है तो भी मोबाइल में खेलिए, फुटबॉल खेलना है तो भी मोबाइल में खेलिए। इस चीज से अगर दूर रहेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग इस COVID-19 में अपने आप को और ज्यादा बेटर इम्यूनिटी के साथ सामने आ सकते हैं और लड़ सकते हैं। और तो बेटर इम्यूनिटी के लिए चाहिए स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहने के लिए ही सबसे पहले मन को खुश रखना। अगर आप मन को खुश रखेंगे सुबह उठेंगे, उसके बाद जो टाइम शेड्यूल है वो आपको बनाना होगा कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, उसका कितने घंटे वर्कआउट करना है, कितना टाइम आपको किसको देना है, स्टडी के लिए कितना टाइम देना है, पेरेंट्स के लिए कितना टाइम देना है। आप नो डाउट कि मोबाइल एक ऐसा साधन हो गया आज के टाइम में कि हम उसके बिना नहीं चल सकते, तो ठीक है उसके लिए भी टाइम नोटिस करिए, आप उसके लिए भी टाइम शेड्यूल में उसको फिट बैठाइए कि हम उस टाइम में उसको क्या क्या करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा मेरा मानना है इस COVID-19 में, जो कि मैं खुद इस चीज को कर रहा हूँ, कि कंप्लेन छोड़िए किसने क्या करा किसने नहीं करा। दूसरा चीज, टाइम शेड्यूल बनाइए कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे साइकोलॉजिस्ट बताते हैं हमें कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर में वो होते हैं 3 चीजों का। पहला होता है आपकी डाइट का, दूसरा होता है आपका रेस्ट का जिसमें हम सोते हैं हम लोग अच्छी तरह से, और तीसरा होता है वर्कआउट का। और इन तीनों का तालमेल बैठाना जरूरी है। अगर तीन तीनों में एक भी चीज मिस हुई तो आप मान लीजिए कि आप अपने समाज के साथ साथ अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है नींद की गोली खा के सोते हैं। इवन मैं आपको सच्चाई बताऊं, आज के डेट में मैं खुद 3 रातों से नहीं सोया, बीच में हुआ था मेरे साथ था कि 3 रातों से सो नहीं पाया था। तो अपने बारे में जब मैंने विश्लेषण किया तो मैंने सोचा कि यही गलती हो रही है कि मैं 8 बजे उठ रहा था, मैंने फिर सुबह 4:30 से 5 बजे उठना स्टार्ट करा, तो अपने आप रात को 10-11 बजे नींद अपने आप आ जाती है, और नींद आती है तो फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं हम लोग। हमारा माइंड वर्क उस टाइम पे हमारे एक्टिविटी के लिए चलता है, ना कि बाकी जो पूरे दिन में जो काम किया हमने उसके बारे में चलता है, ना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो हमें सिर्फ इतना काम करना है, अगर आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है
अपना टाइम शेड्यूल के साथ करिए। और मुझे लगता है अगर आप अपना टाइम शेड्यूल घर पे रह के करते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होगा, और सबसे अच्छी बात कि हम एक अच्छा सर्कल बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समाज के लिए भी, देश के लिए भी और खुद के लिए भी। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा NIEBP के टीम को और खास करके नरेश सर को जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ इतना ही कोशिश करता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने मैंने अपने साथ देखी है या प्रॉब्लम अपने साथ फेस किया है वो प्रॉब्लम किसी और के साथ नहीं हो, क्योंकि लाइफ एक सर्कल है और मुझे मेरा काम है कि उस सर्कल में कट लगाना है। अगर मैं कट नहीं लगाता तो वो प्रॉब्लम आगे सर्कल होता रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सरकार सर। आपने बहुत ही सरल और साधारण शब्दों में इतनी बड़ी बड़ी बातें की। मुझे लगता है शायद ये चीजें जानते सब लोग हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना वो नहीं कर पाते हैं। और जैसा आपने कहा कि जहाँ चाह वहाँ राह, जब हम शिकायतों का भरमार लगा देते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो शायद हम खुद अपने लिए वो बाधाएं खड़ी कर लेते हैं और उस लक्ष्य को जिसको हम पाना चाहते हैं उसको नहीं पा सकते। लेकिन जब हम में चाह होती है तो हम अवश्य उन सारे सिस्टम को जो हमारी बाधा बनती हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और हम हमारे घर में, हमारे आसपास उपलब्ध ऐसे उपकरणों को अपने इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम प्रयोग कर लेते हैं कि वो हमारी मददगार साबित हो सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। और सर आपने कितने अच्छी बात बताई कि हमको एक अपने जीवन में सुबह उठने से लेकर रात को उन छोटे छोटे कामों को जो घर में करते हैं, हम ठीक है आज कोविड के दौर में हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं, बहुत बड़ी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम घर में रहकर उन छोटी छोटी एक्टिविटीज को, चाहे वो पानी का गिलास भरना है या दूसरा कोई छोटा मोटा काम करना है, उसको करके भी हम अपने आप को शारीरिक गतिविधियों में संलिप्त रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें भी हमको एक्टिव रखती है। और जो चीजें हमको अपना टाइम शेड्यूल सेट करना चाहिए और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से तो उसको फॉलो करना चाहिए, बताया वाकई में बहुत बढ़िया बात। ये चीजें हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और सबसे बड़ी बात जो आपने एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के दृष्टिकोण से जो चीजें बताई, क्योंकि आपने उन चीजों को फेस किया है, ये हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अभिभावक गण हैं, वो इन चीजों से अवश्य प्रेरणा ग्रहण करेंगे और मुझे आशा है कि वो जरूर इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू मनोज सर। अब मैं हमारे दूसरे जो विशेषज्ञ हैं उनको आमंत्रित करता हूं। सर आप हैं श्री ML मिश्रा सर। सर आपका इस मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून से बहुत लंबा समय का नाता रहा है और आपने यहाँ पर PEI के रूप में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी है। आपको आपका नेतृत्व भी था कि यहाँ इस मॉडल स्कूल से बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, अपने उन खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारा, आज वो बच्चे पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। साथ में मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे भी आपके साथ एक लंबा समय गुजारने का अवसर मिला और मैंने आपके साथ बहुत सारे इन जो खेल टीमें थी उनके साथ गया, कभी स्कॉट के रूप में, कभी रनर के रूप में, कभी टीम मैनेजर के रूप में, और उस दौरान हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ शेयर आपके से लिए हैं, ग्रहण किए हैं और उनका लाभ आज भी हम उठा रहे हैं। और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम जब भी गए हैं बहुत मुश्किल से कभी हुआ होगा ऐसा, अदरवाइज जो चैंपियनशिप थी वो मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ट ही लेके आया है हमेशा। आपकी इन्हीं उपलब्धियों में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ जो क्रिकेट के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी साबित हुई है। जो क्रिकेट बॉल का निर्माण है उसमें आपका अहम योगदान रहा है और वो क्रिकेट बॉल आज भी इस खेल जगत में, जो हमारा विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट का जगत है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सर एक इसके लिए आपकी एक और उपलब्धि जो मैं शेयर करना यहाँ नहीं भूलूंगा कि आपके नेतृत्व में हमारे जो मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप के 3 बच्चे हैं वो कोलोराडो यूएसए एक एथलेटिक टीम में गए थे, आप बतौर उनके कोच के रूप में साथ गए थे और वहां से वो देश के लिए 17 या 18 मेडल जीत के लाए।
ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आज भी वो बच्चे कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सर आपकी उपलब्धियां और काफी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में इन उपलब्धियों के साथ जो आपका अनुभव रहा है इन विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित, सब स्वभावतः वो भी कम नहीं है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने उन जो अनुभव हैं कि हम किस तरह से इन अपने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चों को जो आज COVID-19 के संक्रमण काल में अपने घरों में बैठे हुए हैं वो इन शारीरिक गतिविधियों का फायदा उठा सकते हैं, ताकि वो अपने स्वास्थ्य, जो शारीरिक स्वास्थ्य है और उसके साथ जुड़ा हुआ जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको बेहतर तरीके से प्राप्त कर सके। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री M.L. मिश्रा सर। मिश्रा सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिस्टर न्याल जी सुन रहे हैं उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद। अभी ये दौर जो चल रहा है ये COVID-19 का चल रहा है, अब जब हमने ज्वाइन किया था मॉडल स्कूल हमको सपने भी नहीं पता था कि इस तरह की बीमारी इंडिया में कभी आएगी, क्योंकि इंडिया के लोग इतने मेहनती हैं कि वो बीमारी से बहुत दूर रहते हैं, अक्सर सभी बीमारी से दूर रहते हैं, और जितनी बीमारियां आती हैं वो बाहर के बाहर ही रह जाती है। और ये तो आप जानते ही हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि योग और प्राणायाम ये एक ऐसी चीज है जो भारत की ही देन है, भारत से ही पूरे विश्व में गई है, और भारत इन सब का गुरु है। और जिस समय मैं NIVS में आया था 1982 में, करीब 32-33 साल हमने वहाँ सर्विस किया है, उस दरमियान जब मिस्टर अडवाणी, लाल अडवाणी साहब डायरेक्टर थे और वो खुद भी ब्लाइंड थे, और जितनी किताबें पढ़ते थे योगा की वो ज्यादातर अमेरिकन हुआ करती थी, उनका उनकी एक चीज मुझे याद है कि उन्होंने योगा के लिए हमको वहाँ जो पहले NIVS बॉर्डर स्कूल राजपुर में हुआ करता था वहां से मुझे बस का किराया दिया था, और 10 रुपए आज भी उनके पास उनका मेरे पास मौजूद है। मैं उन्होंने कहा था कि आप वहां से आके हमको टीचिंग दीजिए, योगा सिखाइए। मैं अडवाणी साहब को वहां राजपुर से आकर के उनको योगा सिखाता था घर में, और एक आसन पर मेरा उनका डिस्कस हो गया वो ताड़ासन। ताड़ासन में उन्होंने क्या बताया कि अमेरिकन बुक में ताड़ासन लेट के ही किया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये विश्व गुरु है हिंदुस्तान, और जो गुरु हमारे थे जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा दी है वो अकाट्य है, कोई दूसरा उसको काट नहीं सकता। ताड़ासन का मतलब होता है वृक्ष, और वृक्ष का खड़े होते ही बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ता है। तो उन्होंने मेरी काट की कि भाई बॉडी को स्ट्रेच करना चाहे लेट के करे चाहे खड़े होकर करे। तो मैं कहा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये सब तो रही पहले की बात है जब हमको पता भी नहीं था कि कोरोना ऐसी बीमारी आएगी कटोरा लेके, लेकिन ये बीमारी इतनी भयंकर हो गई जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला रखा है। आज मैंने देखा दो दिन से ट्रंप महोदय जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, उन्होंने भी मास्क पहन रखा है, क्योंकि उन्होंने केयर नहीं किया, इसका ध्यान नहीं दिया गया कि कोरोना कुछ नहीं होता, सारी चीजें बेकार की होती है। जहां तक हमारा विजुअली हैंडीकैप्ट का संबंध है, मैं विजुअली हैंडीकैप्ट से संबंधित काम किया हूं, और इस विषय में मेरा अनुभव करीब 33 साल का है, और एक्टिविटीज में पहले एक्सरसाइज जो COVID-19 की है उसमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है कि किसी चीज को छूना नहीं है, किसी चीज को देख चखना नहीं है, किसी को सूंघना नहीं है। अरे भाई न सूंघेंगे न देखेंगे न टच करेंगे तो हम करेंगे क्या के? अब ब्लाइंड के लिए तो टच करना मेन इम्पोर्टेंट है, और यहाँ छूने के बाद हाथों और बिना छुए उनको किसी चीज की ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं। ये पहली शिक्षा है कि छूना है, फिर उसके बाद अगर न समझ में आए तो टच करना, देख मतलब सूंघना है, और फिर चखना है। और ये उनमें से एक चीज दो तीन चीज तो पहले गायब हो गई, लेकिन एक चीज पहले भी गायब हो गई, छू भी नहीं सकते। अब छूने के बाद कहाँ कहाँ साबुन लेके चलेंगे, हाथ धोएंगे कहाँ कहाँ, सैनिटाइजर लेके चलेंगे,
मेरा जो अनुभव है उसके लिए योग और कुछ एक्सरसाइज मैं बताता हूँ जो मैंने उस जमाने में बच्चों को सिखाया भी था, कराया भी था, जिसमें प्राणायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार, लेजिंग, डंबल, लाठी, क्लब, पीटी की एक्सरसाइज, ऑन द स्पॉट जॉगिंग, ये फिजिकल एक्टिविटीज है जो बहुत ज्यादा पसीना भी निकाल देंगी, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मेंटल गेम, मेंटल न्याय जी भी सुन रहे हैं, मेंटल गेम के लिए मॉडल स्कूल में कम से कम 1000 ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे खेल के सामान हैं जो दिमाग को एकदम आसमान तक ले जाएंगे। ऐसे ऐसे चेस बोर्ड हैं जो चल के बताते हैं, आवाज देते हैं, आवाज से सुन के, और ऑटोमेटिक है वो, अगर आप चाल नहीं भी चलेंगे तो वो बताएंगे। प्लेइंग कार्ड है, चाप बोर्ड है, ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज एनआईवीएस में है दिमागी तौर पर। लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जो कोविड-19 में बाहर निकलना नहीं है, मास्क लगाना कंपलसरी है, अब उसके लिए खाना उनको चाहिए पूरा, खाने के बाद पचाना भी तो चाहिए, जब पचाएंगे नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, वॉकिंग नहीं करेंगे, डिस्टेंस नहीं करेंगे तो खाना पचेगा कैसे। तो स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसके लिए उनके लिए खाना, अब खाने के लिए भी सुबह ब्रेकफास्ट है, 6 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए, 2 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज अब बाहर निकल नहीं सकते ड्यू टू कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कुछ एक्सरसाइज आप बिना किसी को टच किए हुए अपने आप ही अपने पसीने को निकाल सकते हैं, अपने खाने को पचा सकते हैं। इसके बाद स्विमिंग भी एक्सरसाइज का दल है। अभी हमने इसमें कुछ नाम पढ़ रहा हूँ जिसमें मानवेंद्र सिंह पटवाल है, प्रभु दयाल है, राजेश सिंह आईपीएस लड़का है, बहुत 3-4 लड़के थे जो पीसीएस में है, कमिश्नर है, शैलेंद्र सोनकर लखनऊ में है। पढ़ाई के साथ साथ खेल और खेल के साथ साथ पढ़ाई, ये दोनों एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ मिक्स होती है। इसमें ध्यान रखने की चीज ये है कि डिस्टेंस भी, दूरी भी बनाना है। अब जैसे दौड़ना है, कैसे दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाते थे तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब भी ब्लाइंड बच्चे जो देख नहीं पाता था उसको बाहर उनके गार्जियन पेरेंट्स उसको छोड़ भी नहीं पाते थे कि हम बाहर छोड़ देंगे तो बच्चा एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा, अरे सीढ़ी से गिर जाएगा, छत से गिर जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वो उस बच्चे के साथ ही रहते थे और एक आदमी को उसके साथ आदमी को लगा देते थे और वो एक्टिविटीज उसके साथ ही किया करता था। लेकिन अब बहुत एडवांस हो गई, हम लोग के समय में सिंगल लड़के को दौड़ाते थे, अब दौड़ना है हाथ ऊपर करना है, अब हाथ ऊपर करना जब बच्चा देखा हो, कहीं किसी का देखा हो अब तो हाथ ऊपर कर लेगा, लेकिन हाथ भी नहीं ऊपर करता था, दोनों हाथ को हम हाथ कंधे के सीध में कहें आगे करो वो एकदम ऊपर कर दे, एक हाथ ऊपर कर नीचे कर दे। इसलिए B1 3 प्रकार के ब्लाइंड होते हैं, B1 B2 और B3, ये 3 कैटेगरी बाद में बनाई गई, ये 1984 में करीब बनाई गई है। इसकी ये इसलिए बनाई गई कि जब क्रिकेट आया तो 3 प्रकार की एक्टिविटीज हुई और इसमें 2 प्रकार की एक्टिविटीज जो B2 और B3 है ये तो देख के कर लेते थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की यही होती थी B1 कैटेगरी की। जब तक हम सेटिस्फाइड, जब मैं खुद अपनी बात व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा, जब तक मैं व्यक्तिगत अपने को संतुष्ट नहीं कर पाता था कि B1 लड़का अगर टोटली ब्लाइंड लड़का ये काम कर लेता है तब वो बात वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो एक्टिविटी सब कराते ही नहीं थे। तो इस तरह से ये जो ब्लाइंड बच्चे थे इनको सिखाया गया, कराया गया और कोविड-19 को ध्यान में रख के ये जो एक्सरसाइज है जैसे लेजिम है, डंबल है, क्लब है, योगा है, प्राणायाम है, पीटी एक्सरसाइज है, सीटअप है, ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और इसकी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। अब आ गया ये आपको क्रिकेट के विषय में, जब मैं शुरू में ज्वाइन किया था 1982 में, उस समय बच्चे अमूमन खेल कूद का साधन था नहीं, कोई भी गार्जियन किसी भी बच्चे को बाहर नहीं छोड़ सकता था,
नहीं देख सकता था कि गिर जाएगा मेरा बच्चा, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा। इसको ध्यान में रख करके कुछ एक्टिविटी, ज्यादातर बच्चे उस जमाने में रेडियो चला करता था, ट्रांजिस्टर या रेडियो। जब मैं आया था एलआईएस में तो उसमें कान में लगाकर वो बच्चे कमेंट्री सुना करते थे। तो मैंने सोचा कि भाई ये बच्चे इतना इंटरेस्ट हैं, कब खाना भूल जाते थे, कभी ब्रेकफास्ट भूल जाए, ब्रेकफास्ट में नहीं जा पाते थे, लेकिन बावजूद उसको वो कमेंट्री सुना करते थे। तो मैंने कहा यार इन बच्चों को कमेंट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उसके लिए तरह तरह की बालें इकट्ठा की। अब क्रिकेट खेलने के लिए बैट चाहिए, बॉल चाहिए, जगह चाहिए, विकेट चाहिए, प्लेयर चाहिए। लड़के तो कर लेते थे, लेकिन जो टोटली ब्लाइंड जिनको मेन आवश्यकता थी वो बच्चे नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए तरह तरह की बाल बाजार जाता था। मैं पटन बाजार देहरादून में है, वहां से तरह तरह की विभिन्न प्रकार की बालें खरीद खरीद के जाता था। कोई बाल फिर पाता था, निकला कैसे, अब देखने ही नहीं पता। बी वन का नहीं, बी टू बी थ्री की बात छोड़ दीजिए, उनको थोड़ा बहुत दिखता है वो तो कोई भी एक्शन कर लेते हैं, लेकिन बी वन के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है उनको एक्सप्लेन करना। अगर विस्तार रूप से, विस्तृत रूप से उस चीज का एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो वो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई इसमें रुकावट नहीं आएगी। इसी तरह जब बॉल नहीं बन रही थी तो मैं यहाँ लाया हूँ, अपने पास रखा हुआ है मैंने बॉल, ये यहाँ मॉडल स्कूल में, मॉडल स्कूल में एक एनआईएच में डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक यूनिट हुआ करती थी, उसमें मिस्टर एनपी शर्मा थे, उनके पास मैं जाता था और कोई नई रिसर्च कि मेरा नई नई चीजों को करने में बड़ा आनंद आता है, अभी भी आता है, अभी भी मैं इसमें सुधार करना चाहता हूँ। लेकिन अब मैं जयपुर में, जयपुर से बात कर रहा हूँ, यहाँ जयपुर में रह रहा हूँ, यहाँ ये साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। डिजाइन डेवलपमेंट यूनिट मैं काफी ट्राई किया लेकिन कहीं नहीं मिली, तो वहाँ हमको एनआईएच में पूरी सुविधा मिली। और वहाँ एमपी शर्मा इंडिया टुडे 1982 में आप अगर देखेंगे, लाल अडवाणी साहब उनकी फोटो है इंडिया टुडे की, 1990 में ये मैगजीन निकली और उसमें मिस्टर लाल अडवाणी के साथ भीतर फोटोग्राफ्स और पूरा डिटेल इस बॉल के विषय में दिया हुआ है। जब ये बॉल डेवलप कर ली तो जब बच्चों को खेलने लगे तो बहुत से लोग आए खिलाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से बॉल, ये मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की बॉल दिखाता हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन बॉल है, इसको पकड़ के बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन इसमें बबलिंग थी। इस प्रकार से इनके नियम बनाना मैंने 1984 में ये एक नियम बनाया जिसका ब्रेली कर दिया, ब्रेल प्रेस है वहाँ, वो सुविधाएं हमको दे रहा था, लेना ही इसमें बड़े आराम से मिल जाया करती थी और हमारी जो भी जिज्ञासा थी वो वहाँ पूरा हो जाया करती थी। और हम इस विषय को लेकर के काफी चिंतित हैं कि अभी भी इसमें हम वो सुधार करना चाहते हैं कि एनआईवीएच अगर एक आध बार दो बार आना पड़े तो मैं वहाँ डिजाइन डेवलपमेंट यूनिट में इसमें बॉल में जो अभी रोल करके फेंकते हैं इसको हम थोड़ा बाउंस करें, कम से कम घुटने के इतने ऊंचे तक वो उठ सके, उछल सके, ताकि पांचवी ब्लाइंड और छोटी ब्लाइंड तीनों कैटेगरी के खेल आराम से हो सके। रहा सवाल नेशनल और इंटरनेशनल का, और आप जानते हैं रेस, उस जमाने की रेस जब बच्चे ब्लाइंड बच्चे को छोड़ नहीं सकते थे, गोदी से निपटा नहीं सकते थे, बच्चा गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं उस जमाने की बात करता हूँ 1982 की बात। तो उस जमाने में खेल खिलाना तो बहुत दूर की बात, किसको किसको इतना चिंता थी, कौन खेल, हमारा बच्चा पढ़ाई में चल रहा है, खेल में किसको भेजेगा, चोट लग जाएगी, गिर जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। लेकिन बावजूद इसके अभी भी मैं यहाँ कुछ नाम ऊपर आ रहे हैं, उसको देख करके मुझे ध्यान आ रहा है कि आईएएस लड़का राजेश सिंह जो मॉडल स्कूल का है, मानवेंद्र सिंह बटवाल जो भी मॉडल स्कूल के हैं, ये प्रताप सिंह बिस्ट जो दिल्ली में टीचर है, इस साइड के करीब छह बच्चे हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कप में 1998 में फर्स्ट वर्ल्ड कप में खेले दिल्ली में, जिसमें सात कंट्री पार्टिसिपेट की। ये रहा सवाल क्रिकेट का। अब कोविड की बात है, कोविड भी निकल गएगा नहीं, कौन लगा बाहर जाएगा,
फेंसिंग करना नहीं है, कबड्डी खेलना नहीं है, वॉलीबॉल खेलना नहीं है, फुटबॉल खेलना नहीं है। भाई सबसे बड़ी समस्या तो खेल की है। कोविड को ध्यान में रखते हुए फिजिकल एक्टिविटीज जो बताई गई है, जैसे लेजिम डम्बल पीटी की एक्सरसाइज जो पुराने जमाने में पढ़ाते थे, ड्रिल जिसको मिलिट्री वाले भी क्या करते हैं, आप देखते भी होंगे किसी चैनल में बॉडकास्ट पर दिखाए जाते थे, इस प्रकार की एक्टिविटीज जो है प्राणायाम योगा, इससे डाइजेशन भी ठीक होगा और उनकी हेल्थ भी ठीक होगी। इसके साथ ही साथ स्विमिंग स्विमिंग भी कर सकता है बच्चा, लेकिन वो भी आजकल कोविड-19 को ध्यान में रखे वो भी बड़ी समस्या है। बार बार हाथ धोना सिखाएगा कौन? मैं स्विमिंग का कोच रहा हूँ, मैं स्विमिंग जानता हूँ, अच्छी तरह से करा सकता हूँ, बहुत से बच्चों को सिखाया भी है और उनमें आपके BCI के वो है मानवेंद्र सिंह पटवाल जो दिल्ली मिनिस्ट्री में है, उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बहुत कुछ काम किया है और कई बार नेशनल मैचेस उन्होंने कराए हैं और उनको पता है कि वो देखना चाहते थे, मेरा टेस्ट लेना चाहते थे। एक बार उनको एजुकेशन टूट गया वाराणसी का और बीच गंगा में जब उनको नाव लेके गए तो उसने कहा कि सर आप स्विमिंग आती है? मैं कहा बिल्कुल आती है, क्या आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। वो पार्सी लगा था लोग विजन का और उसी नाव से ही मैं नीचे उतरा और उसे कहा कि तुम दोनों पतवार फेंक दो बाहर, दोनों पतवार बाहर फेंक दिया। हमने कहा कि आप कैसे आओगे तुम मेरे पास? क्या तो पतवार है नहीं तुम्हारे पास? तो उस नाव में फट्टे लगे होते हैं, उस फट्टे को चलाने का तरीका आना चाहिए, उसमें भी एक्सरसाइज होती है और फट्टे के साथ फिर उसको चढ़ करके बहरा करके उसके ऊपर चढ़ा, एक फट्टा उठाया, फिर दोनों पतवार निकाली और फिर उसको बताया कि देखो इस प्रकार चला जाता। तो मेन चीज एक्टिविटीज यही होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना, डिटेल करना, अच्छी तरह से समझाना और सबसे बड़ी चीज ये होती है ओरिएंटेशन, जिस ग्राउंड में जहाँ उनको ले जा रहे हैं वहाँ का ओरिएंटेशन उनके लिए बहुत जरूरी है। न्याल जी आप भी सुन रहे देख रहे हो, काफी अगर ओरिएंटेशन उनका बढ़िया है, अब फुटबॉल अब एक फुटबॉल में सोचिए 11 खिलाड़ी, आज 4-5 हो गए, कैसे कहोगे कम हो गए? उसमें जो कमियां थी वो देखी गई समझी गई। फुटबॉल अब एक बॉल को अगर 11 खिलाड़ी मारेंगे, अगर टोटली ब्लाइंड है तो एक दूसरे का सर टूटेगा, सर फटेगा, इसकी संख्या उसका ग्राउंड छोटा किया गया। इसी तरह क्रिकेट में भी ग्राउंड छोटा किया गया, ओवर कम किए गए। इस तरह का जैसे जैसे समय आता गया आगे बढ़ता गया तरक्की होती गई और ये खेल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी आगे बढ़ती गई। इसी प्रकार आज बहुत से खेल हैं, कम से कम दयाल जी के पास इस समय उनके बोर्डो स्कूल में मैं उस चीज का बक्सा अभी भी रखा होगा, उस पर कम से कम 500-600 ऐसे खेल हैं जो मेंटल के हैं। मेंटल के तो बहुत गेम हैं, हजारों गेम उनके पास रखे हुए हैं और हजारों डेवलप भी हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज फिजिकल एक्टिविटीज की। फिजिकल एक्टिविटीज के लिए दयाल जी भी काफी अच्छे कैंडिडेट अच्छी तरह से समझा रहे हैं लोगों को और उन्होंने उनका ये फील्ड है, अच्छे कैंडिडेट आ गए हैं हमारे साथ हमारे स्कूल में, मुझे नाज है उनके ऊपर। तो इस तरह एक्टिविटीज को पढ़ाना आगे चलाना ये सबसे बड़ी देन है उनकी। और सबसे अंत में धन्यवाद डायरेक्टर साहब को देना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने ये जो प्रोग्राम रचा है ये बहुत ही अच्छा है। इस समय ऐसे समय में इस प्रकार के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज चलती रहे। और जहाँ तक व्यायाम एक्सरसाइज की बात है वो मैंने बताई दिया कि लेजिम डम्बल क्लब पीटी के एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, योगासन, अलासन वगैरह वगैरह बहुत से आसन है, बहुत से 84 प्रकार के तो मेन आसन है जो आप इंडिया टीवी में सुनते ही होंगे। रामदेव महाराज जी भी आई है, बालकृष्ण जी भी आए थे उन दिनों, ये बात मैं भूल गया था कि उस समय बालकृष्ण योगी जो रामदेव जी के
वो पतंजलि के प्रिंसिपल है रामदेव बालकृष्ण जी, वो भी विजिट के लिए, उन्होंने कहा था कि हम ब्लाइंड बच्चों को योगासन सिखाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी कर लिया था हमने, लेकिन कोई कारणवश वो प्रोग्राम अधूरा छूट गया, नहीं हो पाया था। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज है, और इस तरह से नेशनल इंटरनेशनल और यहाँ तक कि 2009 में जब वो परमिशन मुझे यूनिवर्सिटी की मिली, और इसके लिए इप्सा इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो हर साल, पहले तो हर साल कराया करता था नेशनल एथलेटिक भी, लेकिन अब वो दो साल में कराने लगा है, और वहाँ के चैंपियन लड़के ही जाया करते थे बाहर। तो हमारे जो तीन बच्चों को लेकर के कैप्टन अनुराधा हुई थी, उन्होंने मुझे भेजा, और उन बच्चों को फिर हमारे मॉडल स्कूल के तीन बच्चे थे, टोटल इंडिया के 8 बच्चे थे, तीन बच्चे जिसमें 4 गोल्ड और 2 ब्रांज, 6 मेडल हमारे स्कूल में खुद आए थे, 4 गोल्ड और 2 ब्रांज, और इंडिया टीम के 8 बच्चे ने 18 मेडल लिया था, जिसमें 12 और 6 ब्रांज, 12 6 सिल्वर और 2 ब्रांज, ये 18 मेडल कोलोराडो अमेरिका से 2009 में ले गया थे। थैंक यू मिस्टर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कार्यकाल के दौरान अपने जो अनुभव थे वो बहुत ही बेहतर तरीके से साझा किए, और आज हम लोगों को उन अनुभवों को, और मुझे ही नहीं, मैं तो खैर इस चीज से परिचित हूँ, लेकिन हमारे और दूसरे जो साथी और इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो अवश्य अवगत हुए होंगे कि किस तरीके से आपने अपने कार्यकाल के दौरान बच्चों को तराशने का काम किया। मिस्टर सर, ये सही है कि आज जिस स्थिति में हम इन आधुनिक सुख सुविधाओं को, ग्राउंड को और खेल सुविधाओं को पाते हैं, ये एकदम से नहीं बनी, इनके पीछे कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों का, विशेषज्ञों का योगदान होता है, जिन्होंने अपनी मेहनत से इन चीजों को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है, और आज जो सुविधाएं और जो खेल सुविधाएं और खेल ग्राउंड जिनका आज लोग उपयोग कर रहे हैं, वो वाकई में आप जैसे लोगों की ही देन होती है। सर, ये सही है कि आपने COVID-19 के दौर में शारीरिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला, और बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि ठीक है, आज हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम एक अपने घर में रहते हुए, अपने आसपास एक लिमिटेड एरिया में रहते हुए, हम उन एक्टिविटीज को जिनका आपने मेंशन किया, चाहे वो योग है या सूर्य नमस्कार है या जॉगिंग है, डंबलिंग है, इन एक्टिविटीज को करके हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, योग की चर्चा मिसा सर आपने की, वाकई में हमारा देश योग गुरु रहा है, और आज वापस योग की जिस तरीके से महत्व बढ़ती जा रही है और योग अपना महत्व प्राप्त किया करता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योग हमारे योग का जो विश्व गुरु है वो हमारा भारत ही रहेगा। थैंक यू मिसा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने रिसोर्स पर्सन के रूप में मिस प्रज्ञा भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूं, जिनका एक बहुत लंबा समय चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ काम करने का रहा है। आप तरंग स्कूल फॉर द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन जो देहरादून में स्थित है, उसके प्रिंसिपल के रूप में कार्य सेवाएं दे रही हैं। आपने 12 वर्षों से भी अधिक का कार्यकाल इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चों के क्षेत्र में कार्य किया है। इन उपलब्धियों के साथ मैं आपकी स्वयं की व्यक्तिगत उपलब्धियां बता देता हूं कि आपका खुद का खेलों में विशेष रुझान है, बहुत रुचि रही है, और आपने खेलों में बहुत उपलब्धियों को हासिल किया है। आप किसी एक खेल में ही नहीं बल्कि अलग अलग खेलों में अचीवमेंट हासिल किए हैं। आप नेशनल जूडो प्लेयर हैं, आप नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं, आप स्टेट हॉकी और स्टेट क्रिकेट प्लेयर भी रही हैं। आपके मार्गदर्शन में आपके ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले खिलाड़ी हैं जो इस आप तराशते हैं, वो नेशनल ओलंपिक्स में उन्होंने भाग लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस तरीके से इन नेशनल लेवल पर अपने इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को तराश कर उन नेशनल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए भेजती हैं। इसके अलावा आप क्योंकि एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और ओवरऑल पूरे स्कूल की गतिविधियों को देखती हैं, संचालित करती हैं, तो उसी क्रम में आज
जो हमारा उद्देश्य है कि फिजिकल एक्टिविटीज ड्यूरिंग कोविड 19 फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसके लिए आपके जो सुझाव और विचार हैं वो हमारे लिए हमको लाभान्वित करेंगे, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। प्रज्ञा जी। जी नमस्कार। जी मैम, आप लोगों का NIVH का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ये ऑप्शन दिया। एम आई ऑडिबल? यस मैम। जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपने विचार रखने का इस कोविड 19 के समय में। जहाँ तक मैं देख मतलब समझ पा रही हूँ कोविड को, सब लोग ना बहुत परेशान हैं कोविड को लेके, स्पेशली हम प्रोफेशनल्स। लेकिन अगर हम सच में हमारे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे आज तक जब से उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया है तब से लेके आज तक उन लोगों का रूटीन रहा है, वो सुबह उठते हैं, मम्मी पापा तैयार करते हैं, स्कूल भेज देते हैं। जो हॉस्टल के हैं उनका तो रूटीन अलग ही है, पर मैं डेली वाले बच्चे बता रही हूँ। और क्योंकि मेरा खुद का जो एरिया ऑफ वर्क है वो आईडी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मैं ऑटिज्म और लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ काम करती हूँ। तो इस वाले ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं अधिकतर अपने घर में रहते हैं पेरेंट्स के साथ, तो वो सुबह स्कूल जाते हैं घर आते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ उतना समय नहीं बिता पाते जितना इस कोविड ने उनको दिया है। तो अगर हम सिर्फ बच्चों की बात करेंगे, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हमेशा क्या था, या तो पापा घर पे थे वो संभाल रहे थे, या मम्मी घर पे थी वो संभाल रही थी। दोनों के साथ मिलके जो कोऑर्डिनेशन बना के बच्चों के साथ में काम करना और वो अपॉर्चुनिटी उनको देना, उनको सिखाना, वो मौका उनको इस बार पहली बार मिला है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो एक कोविड ने ही हमें हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, बहुत अलग कर दिया है। इसी के लिए क्योंकि मुझे फिजिकल एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करना है, तो मैं आप सब लोगों को, क्योंकि आप लोग स्पेशल एजुकेटर्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं, तो आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अगर कोविड की बात करें और लॉकडाउन की बात करें, जब हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जब हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग बच्चों के डाइट पे काम करें। क्योंकि घर में जब बच्चा रहता है ना, तो हर थोड़ी देर बाद उसको भूख लगती है और मम्मी का प्यार ऐसे टपकता है उस पर कि हाँ ठीक है ये खा ले ये खा ले ये खा ले। और स्पेशली हमारे जो बच्चे होते हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनका टमी अपसेट रहता है, उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत होती है उनके फूड पे, फूड बिहेवियर्स पे। तो अगर हम उन सब पे काम करेंगे तो बच्चे का फिजिकल भी उसका साथ देगा, वरना मेडिकल इश्यूज आ सकते हैं और इस टाइम पे डॉक्टर्स के पास हमें नहीं जाना है। तो साथ ही इसके साथ में मैं आपको बोलूंगी बच्चे को एक बच्चा जरूर रहने दें। बच्चे का जो भी लाइफ है, बच्चा जो भी डिसेबिलिटी के साथ में है, उस सबको छोड़ के बच्चे को एक बच्चा जरूर समझे, उसको भी फ्री प्ले का मौका दें, उसको भी थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ दें, जो वो करना चाहता है वो करने दें। अगर बच्चा ऑटिज्म से है और बच्चा अकेले रहना पसंद करता है तो लेट इट बी, रहने दीजिए उसको थोड़ी देर के लिए अकेला, उसको अपना वो फ्री प्ले वाला जिसमें वो खुद को देख सकता है वो वाला एरिया जरूर दें। इसके साथ ही एक वेबिनार मैंने अटेंड किया था, उसमें मिस्टर हिमांशु दास जो डायरेक्टर हैं अभी, उन्होंने बताया था कि हम लोग बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत अजीब सा टर्म हो गया हम लोगों के बच्चों के लिए, क्योंकि आज तक तो हम उनको सिखा रहे थे ना तुम्हें सोशल होना है सोशल होना है। तो अच्छा होगा हम उनको फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग वाला वर्ड हमें हिमांशु सर ने दिया था, और थैंक यू सर, मेरे को उसका मतलब भी थोड़े दिनों बाद ही समझ में आया, जब मुझे समझ में आया कि हमें बच्चों को फिजिकल डिस्टेंसिंग सिखानी है। तो कोई भी गेम्स हो, कोई एक्टिविटी हो, बच्चा घर में रहे उसको वो हमेशा हर जगह सिखानी है, हमें किसी से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी। इस टाइम सोशली हमें एक दूसरे के पास आने की जरूरत है, हमें जरूरत है फिजिकल डिस्टेंसिंग की, कि बच्चे हमें सिर्फ छूना मना है, हमें सिर्फ छूना है तो उसके बाद में हाथ वॉश करने हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि अगर हम आईडी ब्लाइंड बच्चों की बात करें तो उनको अगर हम एक बार बताएंगे ना तुम्हें हर एक बार छूने के बाद में धोना है, तो उनको समझ में आ जाएगी। लेकिन जब हम आईडी की बात करेंगे ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या फिर हम बात करें मेंटल रिटार्ड बच्चों की, ऑटिज्म की, तो
तो उन बच्चों को हर एक बात हमें सिक्वेंसली बतानी पड़ेगी, उसका बताना पड़ेगा ऐसा हमें क्यों करना है, ऐसा हमें कब करना है। अगर हम उनको शेड्यूल बना के देंगे तो वो पक्का फॉलो करेंगे, लेकिन बस हाँ हमें डिसिप्लिन के साथ वो चीजें फॉलो करानी है। अब सब कहते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कोविड आ गया, तो हम लोग बास्केटबॉल नहीं खेल सकते, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, हम लोग सब नहीं खेल सकते। कोई बात नहीं, हम तो स्पेशल एजुकेटर है ना, अगर हम गेम नहीं खेल सकते तो क्या हुआ, हम उसका टास्क एनालिसिस करते हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। बास्केटबॉल के लिए क्या चाहिए, ड्रिबलिंग चाहिए, हम ड्रिबलिंग कराते हैं ना बच्चों को घर में प्रैक्टिस। बॉलिंग मतलब हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, कोई बात नहीं हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन हम टारगेट पे बॉल फेंकना तो सीख ही सकते हैं। तो हर गेम का अगर हम टास्क एनालिसिस करेंगे ना तो वो बहुत अच्छा होगा। हम लोग स्पेशल एजुकेटर हैं, हमारे पास स्पेशल बच्चे हैं, और अब हमें जो है स्पेशल फिजिकल एक्टिविटीज पे फोकस करना है, तो हर एक चीज स्पेशल होगी तो रिजल्ट भी बहुत स्पेशल होंगे। साथ में बताना चाहूंगी टास्क एनालिसिस के बाद में हम कोई भी एक्टिविटी बच्चों को जब भी देंगे ना, जैसे मैंने एक पेरेंट को बोला कि मैम आपको ना बच्चे को ड्रिबलिंग करानी है, बास्केटबॉल का जो बॉल होता है उसके साथ ड्रिबल करना है आपको, तो उन्होंने बोला ठीक है मैम कितनी देर करानी है। मैंने बोला मैम 10-10 मिनट के या फिर 5-5 मिनट के स्लॉट्स ले लो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कराया, दूसरे दिन आके पता चला मैम बच्चा बहुत हाइपर हो रहा है और वो सुन ही नहीं रहा है मेरी बात। मैंने कहा आप मुझे थोड़ा सा पीछे जाके बताइए कि आपने किया क्या था। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे का शेड्यूल तय कर दिया, 3:05 पे ड्रिबलिंग शुरू करेगा, 3:15 तक करेगा, उसके बाद में 4 ड्रिबलिंग करेगा, फिर 15 करेगा, उन्होंने ऐसे शेड्यूल तय कर दिया। अब अगर हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे, बच्चे को कोई भी फ्रूटफुल उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो ड्रिबलिंग क्यों करेगा, नहीं वो हाइपर होगा। तो इसलिए जब भी बच्चे के साथ में कोई भी एक्टिविटी प्लान करे तो उसको एक उस मतलब किसी शेड्यूल में करे, 5 वो करेगा, 5 मैं करूंगा, उसको काउंटिंग के साथ कीजिए। काउंटिंग करने से क्या होगा, आप दोनों को मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, कंपटीशन हमेशा एक अच्छा रीइंफोर्समेंट होता है, और साथ में क्या है दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिब्लिंग्स के बीच में अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। तो पेरेंट्स का, स्पेशल एजुकेटर्स का और हम सबका दायित्व बनता है कि सिब्लिंग्स को कनेक्शन करें बच्चों के साथ में। सिब्लिंग्स भाई बहन जो हमारे होते हैं बच्चों के, अधिकतर वो कटे कटे रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल बच्चा स्पेशल बच्चे के साथ क्यों खेलेगा। लेकिन अगर हम बच्चे को सोसाइटी में मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं तो हमारे घर में भी तो मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा। ये हम स्पेशल एजुकेटर्स का काम है कि हमें वो महत्व पेरेंट्स को बताना है, सिब्लिंग्स को सिखाना है। और अगर आप पॉजिटिवली सोचे तो ये कोविड काउंसलिंग के लिए, पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा रहेगा कि आप लोग क्या कीजिए, रोज रोज का टारगेट बनाइए, एक पेरेंट एक फैमिली। आपको उस दिन के लिए एक पेरेंट और एक फैमिली के ऊपर जैसे ही आपने फोकस किया ना, आपको पहले सुबह मम्मी से बात करनी है, आपको पापा से बात करनी है, उसके बाद बहन भाई से प्लान करना है। बात करने के बाद में आपको शाम को उनको एक प्लान देना है। प्लान क्या देना है, आपको एक एक एक्टिविटी सबको देनी है, एक एक्टिविटी पापा के लिए देनी है, एक एक्टिविटी मम्मी के लिए देनी है, एक एक्टिविटी सिब्लिंग्स के लिए देनी है। वो एक्टिविटीज जब वो करेंगे तो उनको बोलना है अच्छा ठीक है आपको क्या करना है, आपको इसकी छोटी छोटी वीडियो बना के देनी है। अभी जो पेरेंट्स है हमारे, वो अगर वीडियो बनाना है तो वो अपना बेस्ट देंगे, और वो वीडियो तो मैडम को भी स्कूल में भेजनी है। तो उनको अगर आप इस तरह से इनकरेज करेंगे काम करने के लिए, तो कोविड जो है बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी हमारे बच्चों के साथ काम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। हमेशा हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को सिर्फ सिखाना चाहते हैं, कोविड आ गया चलो अब घर की एक्टिविटी सीखो, कोविड नहीं था चलो बाहर की एक्टिविटी सीखो, चलो स्कूल जाओ स्कूल की एक्टिविटी सीखो, लेकिन हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं। तो अच्छा होगा कि अगर हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखे, कोई भी एक शेड्यूल में, पूरे दिन के शेड्यूल में कोई एक एरिया ऐसा बनाइए जिसमें आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें उसकी लाइकिंग्स ज्यादा है, जिसमें वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, उस वाले एरिया का अगर आप उसको डिसिप्लिन के साथ में शेड्यूल बनाने को देंगे और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो उसमें इंटरेस्ट भी बिल्ड करेगा। और हमें अगर फिजिकल एक्टिविटी बच्चे को करानी है ना तो उसको कमांड फॉलोइंग आनी चाहिए। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अगर हम बच्चे को चाहते हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटी कराए तो उससे पहले हम सिखाएंगे कि
आपको कैसे कमांड फॉलोइंग आनी है. कमांड फॉलोइंग अगर हम वीआई की बात करें तो उनको हमें सिखाने की जरूरत नहीं होती, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. एक बार बोल दिया तो उनको समझ में आती है, उनके साथ सिर्फ लॉजिक देना होता है. लेकिन हमारे जो आईडी बच्चे होते हैं उनको हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है ना, और उनको हर छोटे छोटे स्टेप्स में उनको सपोर्ट भी करना पड़ता है. तो उस सपोर्ट के साथ में हम उनको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो आप काफी हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, इसके साथ में हम लोग अगर उसके बाद में भी हम लोग बच्चे को बाहर नहीं ले जाना चाहते और फिर भी हम उसको कोई एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि हम लोग जो है बच्चों की फाइन मोटर्स पे और ग्रॉस मोटर्स पे काम करें. फाइन मोटर एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोगों के फिंगर्स का छोटी मसल्स पे काम करते हैं हम लोग. तो हम उसके ट्राइपॉड ग्रास्प पे काम कर सकते हैं, हम उसकी पिंसर ग्रास्प पे काम कर सकते हैं. इन सबसे क्या होगा, उसकी राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगी. तो अगर हम ये छोटी छोटी एक्टिविटीज बच्चे के डे टू डे लाइफ में विद रीइन्फोर्समेंट डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा. ग्रॉस मोटर भी अगर हम बच्चों को करा रहे हैं तो वही आपको हमेशा उसको मीनिंगफुल कराना है, अननेसेसरी का सिर्फ नहीं कराना है, भैया तेरे को ये करना है. जैसे हम लोग अधिकतर कराते हैं, मैंने कई जगह पे देखा बच्चों को कटोरी पकड़ा दी, बीट्स पकड़ा दिए और एक धागा पकड़ा दिया, लो भाई बीडिंग करो. अब किसी ने अगर टीचर से पूछा कि आप ये क्यों करा रहे हैं तो उनका साफ कहना होगा कि हम ये उनकी फाइन मोटर इम्प्रूवमेंट के लिए करा रहे हैं. पर एक बात आपने कभी खुद सोची है कि वो फाइन मोटर इम्प्रूवमेंट कब तक वो करेगा, कितना यूजलेस है ना हम लोग को. कितनी अगर आपको खुद को एक बाउल दिया जाए, बीट्स दिया जाए, धागा दिया जाए तो आप कब तक मीनिंगलेसली, और वो भी जब आपको पता है कि आपने जैसे इसको पूरा भरा ना धागे को तो उसके बाद में मैडम ने उसके सारे बीट्स वापस कटोरी में डाल के किसी और बच्चे को पकड़ा देना है. मतलब मैंने तो मेहनत की, बीट्स डाले और उन्होंने वापस करके उसको आगे कर दिया. तो हमेशा मीनिंगफुल करिए. अगर बीडिंग भी करानी है ना तो उसको मीनिंगफुल कराइए. आज हमको सीक्वेंसिंग करनी है, वन रेड वन ग्रीन, वन रेड वन ग्रीन. अगर आपको लगता है कि बच्चे का लेवल ऐसा नहीं है तो उसको पार्टनर दे दीजिए, एक और बच्चा उसके साथ दे दीजिए जिसको सीक्वेंसिंग मतलब जिसको कलर कॉन्सेप्ट है. उसका काम सिर्फ इतना होगा कि वो उठा के उसको देगा. आपको उसको एक बार ग्रीन देना है, आपको उस पर एक रेड देना है. हर एक चीज को अगर हम मीनिंगफुली करेंगे काम को ना तो बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा और उसको बाद में भी मतलब रीइन्फोर्समेंट का काम करेगा वो, और हमें अलग से कोई भी रीइन्फोर्समेंट उसको देना नहीं पड़ेगा. शेड्यूल मेंटेन करना है हमें, और साथ में ही बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी पर्सनल आप कुछ जानना चाहते हैं इस चीज के बारे में तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं. इसी के साथ में मेरी बातें खत्म करती हूँ. थैंक यू मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद. थैंक यू प्रज्ञा मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ये बताया कि किस तरह से हम इस कोविड जो संक्रमण काल है जो वाकई में कठिनाइयों का दौर है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए नहीं सबके लिए है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये पॉजिटिव अप्रोच कि हम उन कठिनाइयों में भी अवसर ढूंढ लेते हैं और हम अपने जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनके लिए अपने घर में अपने परिवेश में उन सारी एक्टिविटीज को करवा सकते हैं जिसके उदाहरण आपने बताए. मुझे आशा है कि हमारे जो स्पेशल टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो इन बातों पर अवश्य गौर करें. इसके अलावा आपने जिन जिन बातों को बताया वो सब बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं जो इन बच्चों के साथ काम करते समय आती है. ये ठीक है मैम कि जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो उसमें जैसे अब आरपीडी एक्ट के अकॉर्डिंग 21 डिसेबिलिटीज को कवर किया गया है तो उसमें सभी बच्चों की अपनी अपनी नीड्स होती है जिसके कारण हमको उन बच्चों की, जैसे आपने ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की चर्चा की, उसी तरह से दूसरी डिसेबिलिटीज के लिए आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ सकता है जो हम अपने विवेक से कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बेस थीम रहता है वो वही कॉमन रहता है जो आपने बताया. थैंक यू मैम इसके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं हमारे इस वेबिनार के अगले रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित करता हूं श्री नरेश सिंह न्याल जी को, जो वर्तमान में हमारे इस नेशनल NIEPVD के स्थित मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप में PEI के पद पर कार्यरत हैं.
आपके कार्य और व्यक्तित्व की पहचान इतनी अधिक है कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और यदि आपकी उपलब्धियों की गणना की जाए तो उसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद मुझे बताने में बहुत छोटी पड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही संक्षिप्त तौर पर प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी उपलब्धियों को बता पाऊँ। आप इंडियन एयरफोर्स से इंडियन एयरफोर्स में 15 साल तक आपने सेवाएं दी है, जो बहुत ही गर्व का बात है एक देश के लिए, आपके लिए, और ये हर एक युवा का सपना होता है कि वो अपनी देश के लिए कुछ करे, तो वो अवसर आपको मिला और आपने वो सेवाएं प्रदान की। इसके बाद आप इस मॉडल स्कूल में एज ए PAI नियुक्त होकर अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएं। इसके साथ आपने 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम में अपना सहयोग दिया है। आप NIAS क्वालिफाइड कोच हैं। आप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से डी लाइसेंस प्राप्त कोच हैं। इसके साथ आप ब्लाइंड फुटबॉल में गोल गाइड और सहायक कोच के रूप में टोक्यो जापान और पट्टाया थाईलैंड में भारत को रिप्रेजेंट किया, और वर्तमान में आप इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल के सहायक कोच हैं। आपके स्वास्थ्य पर आधारित बहुत सारे आर्टिकल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से स्पेशल BEd पाठ्यक्रम में पैरा स्पोर्ट्स का जो चैप्टर पढ़ाया जाता है वो भी आपके द्वारा ही लिखित है। यह तो हुई आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां, लेकिन इसके साथ यदि हम बात करें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के क्षेत्र में, जहां पर आपकी उपलब्धियों की गणना की जाए तो वो भी बहुत लंबी लिस्ट है। आपके ही मार्गदर्शन में आज मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप के बच्चे देश और विदेश में खेलों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है आपको आमंत्रित करते हुए आप आए और अपने बहुमूल्य विचारों से हमको लाभान्वित करें। नरेश सर, थैंक यू वेरी मच सर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सारे? अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बोर हो रहे हैं? बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं अगर हम आज के अपने रिसोर्स पर्सन को सुना, अगर हमने ध्यान से, खुद मैं सुन रहा था, तो जहां तक मनोज सरकार जो पैरालंपियन हैं, मनोज सरकार जी अर्जुन अवार्डी हैं और बहुत बार देश को गौरवान्वित किया है, साथ ही प्रज्ञा मैम एक बहुत बड़ा अनुभव बताती हैं, वो प्रज्ञा भारद्वाज मैम बहुत बड़ा अनुभव बताती हैं। मिश्रा सर की अगर बात करें तो मिश्रा सर ने जिस तरह से बताया है वो एक तरह से आधार स्तंभ हैं अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करें। पर अब मेरी बारी है, तो मैं आपको आज ना तो खेल की बातें करने वाला हूँ और ना ही खेलों से कुछ बताने वाला हूँ। मैं आज आपसे जो बातें करने वाला हूँ वो बिल्कुल टॉपिक पे आऊँगा कि फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग COVID-19 फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। लीव एवरी स्पोर्ट्स, लीव योर ग्राउंड्स, सब छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए, एक बार सुनिए, बैठ के, कहीं नहीं जाना है हमें, बिल्कुल घर के अंदर कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। तो जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की, प्रज्ञा मैम को जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि किस तरह से वो कराती हैं ऑटिज्म और MR के जो बच्चे हैं, और मैं खुद उनसे मिला हूँ और उनको देखा हुआ है, काम करते हुए देखा है। मिश्रा सर के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनको देखा मैंने काम करते हुए। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत छोटी छोटी बातें जो हम घर में करेंगे, जहाँ तक बात है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, आपने एक चीज सुना होगा, पेशेंस, है ना? पेशेंस बहुत जरूरी है। किसका? आज जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उनका पेशेंस उतना नहीं चाहिए हमें जितना पेशेंस चाहिए अपने घर वालों का और जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनका। अगर हॉस्टल में हैं या कहीं किसी केयर सेंटर्स में हैं तो उनके साथ जो काम कर रहे हैं, और घर में हैं तो घर वालों का। आज से पहले आपको एक शिकायत थी कि ये घर कम आते हैं, कई लोग बोलते थे ये घर कम आते हैं, घर नहीं आते, और कई बार जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड थे वो बोलते थे कि हम घर नहीं जा पाते। आज आपके पास समय है, घर में बिताइए, घर में रहिए और घर वालों के साथ बिताइए। अब मैं बात करता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिजिकल एक्टिविटी से हमें हमेशा ये लगता है कि कहीं खेल की बातें हो रही होंगी, कहीं खेल मैदान में ले जाने वाले होंगे, ऐसा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी है क्या? फिजिकल एक्टिविटी वो एबिलिटी है आपकी जिसको कि आप अपनी दिनचर्या और अपने शरीर को शेप में रख सकें और अपनी जो दिनचर्या है उसको सुचारू रूप से और कम एफर्ट्स के साथ कर सकें, तो वो चीज जो होती है दैट इज फिजिकल एबिलिटी। और आज जो है कि फिजिकल एक्टिविटी,
अब फिजिकल एबिलिटी एंड फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एबिलिटी हमारी कब बढ़ेगी, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, और फिजिकल एक्टिविटी कब कर पाएंगे, जब हम फिजिकली एबिलिटी बढ़ाएंगे, अपनी फिजिकल एबिलिटी बढ़ाएंगे, फिजिकली ज्यादा एबल्ड होंगे। बात हो रही है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह से आप घर पे हैं, तो घर पे आज सबसे ज्यादा जरूरत है जो पेरेंट्स हैं और जो घर में बच्चों के साथ हैं स्पेशल नीड्स के साथ में, उनकी बहुत जरूरत है कि वो पेशेंस रखें। कोविड 19 कैसा दौर है, अगर हम इस पर थोड़ी सी थोड़ा अगर इस पर ध्यान दें, तो कोविड 19 एक ऐसा दौर है जिसने दायरा सीमित कर दिया है, हमारे सपने सीमित नहीं किए और ना ही हमारे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके सपने सीमित किए। बस जरूरत है खुद को एक्टिव रखने की। अब बात आती है कि हम घर में कैसे एक्टिव रखेंगे, तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं, सबकी लिमिटेशंस हैं, इवन हमारी भी लिमिटेशंस हैं, मेरी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, एज के साथ में लिमिटेशंस आ जाती हैं, एरिया के साथ लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो लिमिटेशंस तो सभी के साथ हैं, लेकिन आज अगर वो आपके साथ हैं, आपको पेशेंस रख के आप उनको इन्वॉल्व कीजिए, घर के कामों में इन्वॉल्व करवाइए उनको। अगर आपको पानी लेके आना है तो आप उसको पहले ओरिएंटेशन करवाइए, या जो व्हीलचेयर यूज कर रहा है उससे, या जो दूसरी डिसेबिलिटीज के हैं सबका देखिए, कुछ ना कुछ अगर डिसेबिलिटी है हम सभी से करवा सकते हैं, क्योंकि पानी की जरूरत सभी को होती है, भोजन की जरूरत सभी को होती है, हमें वो चीज सिखाना है। अब हमें क्या पेशेंस होना चाहिए, हमें ये पेशेंस होना चाहिए जहां मैं उठ के एक मिनट में वो पानी लेके पी सकता था, गटक सकता था, वहीं पे हो सकता है वो पानी चार मिनट में मेरे तक पहुंचे, या पांच मिनट में मेरे तक पहुंचे, या दस मिनट में मुझ तक पहुंचे, तो मेरा ये पेशेंस होना चाहिए कि उस दस मिनट तक मैं इंतजार कर सकूं, क्योंकि बात हम कर रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो हमारा जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो हमें ये मान के चलना चाहिए, वो बढ़ा देना चाहिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, कहीं के भी एग्जाम्पल्स आप उठा के देखेंगे तो सबसे बेसिक चीज जो मुझे नजर आती है वो आती है दैट टाइम स्पैन टू परफॉर्म द एक्टिविटी। और ऐसा नहीं है कि वो जल्दी नहीं कर सकते, वो जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अगर एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात करें या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात करें, तो अपनी डिसेबिलिटी में हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। एंड इफ समवन और इफ वी आर कंपेयरिंग समबडी विद समवन एल्स, that is real, that is incorrect and that is very wrong way. अगर हम सोचें कि मेरा बच्चा अगर VI है और उसके बाद में मेरे ही बगल में मेरा पड़ोसी या मेरा साथी है, उसका बच्चा अगर उनका बच्चा अगर autism में है या MR के साथ में है, वो disability है, तो जब disability की बात आती है, अगर मैं उनको जानता हूं, अगर वो है, मुझे ये पता होना चाहिए कि एक मेरे पास भी है डिसेबिलिटी के साथ में और एक उनके साथ भी है। सो वो जो एक कॉम्बिनेशन है, हम ये कर सकते हैं कि दोनों अपने घर में दोनों को इन्वॉल्व करें, है ना, और ये तभी होगा जब हम एक दूसरे से मिलेंगे। कब मिलेंगे, कोविड 19 के दौरान नहीं मिलेंगे और ना ही मिलाएंगे। मेन है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं, हमें पता होना चाहिए कौन कौन है। उसके बाद में दूसरा आता है गेट देम इन्वॉल्व, उनको इन्वॉल्व कीजिए, आप उनको इन्वॉल्व कीजिए जितना उनको इन्वॉल्व करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल बहुत सारे ऑफिस खुल गए हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है सिंपल सा है, आप अपनी बॉडी को देखिए। अगर मैं बोलता हूँ डिसेबिलिटीज के साथ में अगर बॉडी है, बॉडी पार्ट्स तो है ना, डिसेबिलिटी जरूर है लेकिन पार्ट्स तो हैं, पार्ट्स भी अगर हैं, जैसे मान लो आप बोलोगे कि सर अपर बॉडी है और अगर अपर लिंब नहीं है तो, लेकिन फिर भी कहीं से तो है, तो जो जितना है वो उतना एबल्ड है, ये हमें स्वीकार करना होगा कि जो जितना है वो उतना एबल्ड है, जिसके पास जितना है, जिसके पास जितना है उतने में उसको क्या कर सकते हैं, उतने में उसको कैसे करना है। सिंपल सा है, हमारी एक बॉडी है, बॉडी में जितना भी पार्ट है उसको एक्टिव रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरे शोल्डर्स हैं, अगर मेरे बाजू हैं, तो इसका काम क्या है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सॉकेट्स हैं, सॉकेट बॉल जॉइंट अगर है, तो हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं ना, रोटेट कर सकते हैं, हम फ्रंट रोटेशन कर सकते हैं, हम बैक रोटेशन कर सकते हैं, पीछे भी रोटेट कर सकते हैं। अगर एल्बो में देखेंगे तो एल्बो में रोटेशन नहीं है, अगर कोई बोलेगा रोटेशन है तो नहीं, उसमें क्या है, फ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, मतलब हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और ज्यादा पीछे भी नहीं जा सकते। तो
जितना जिसके पास है, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जितना जिसके पास है उस चीज को समझते हुए उसको एक्टिव रखिए। अगर मान लीजिए किसी का लोअर लिम्ब नहीं है, अगर उसको थोड़ी दूर जाना है, चल के जाना है, कोने में कोई चीज रख दीजिए, आप वहां से लेके उसे लाने दीजिए, टाइम लगेगा। मैंने आपसे पहले कहा था कि टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद में अगर हमारे पास, अगर हमको पता लग गया कि टाइम लगने वाला है, तो वो पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। तो जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं और जितने पेरेंट्स हैं, इस वक्त अगर बात करें तो मैं स्पेशल एजुकेटर्स की भी उतनी बात नहीं करता, मैं इस वक्त बात करता हूं पेरेंट्स की। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कोविड 19 के दौर पे। अब भूल जाइए कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगा के बाहर जाना, वो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, वो उन्होंने बना दिया है कि आपको जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि संक्रमित हो जाएंगे आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाएंगे तो एक दूसरे को टच करेंगे, उससे संक्रमण बढ़ सकता है। लेकिन अपने घर में तो फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हैं आप। आपको समय देना होगा। अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, अगर एक आपका एबल्ड है और दूसरा अगर डिसेबल्ड है, विद डिसेबिलिटीज है, डिसेबल्ड नहीं है, विद डिसेबिलिटीज है, तो आपको पता है कि दोनों भाई बहन है, आएगा। क्योंकि अगर कोई एक डिसेबिलिटी के साथ नहीं है तो वो चाहेगा तेज होना, मान लो उस कोने से कुछ लेके आना है, वो तेज करना चाहेगा। लेकिन एक दूसरा बच्चा है जो डिसेबिलिटी के साथ है, वो तेज करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा, तो उसकी लिमिटेशंस हैं। वो जिस हिसाब से कर रहा है, वो जितना कर रहा है, वो उसके लिए तेज है। ये चीज किसको समझना होगा? ये हमको समझना होगा। दोनों में एक बॉन्डिंग करना, ये कोविड 19 का जो दौर चल रहा है, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि एक बॉन्डिंग होना दोनों के बीच में, एक पेरेंट्स के बीच में। और मैं तो कहूंगा कि ये बहुत अच्छा समय है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज तक हमारे पास ये था, अगर हमारे पास चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के बच्चे अगर हमारे पास हैं CWSN के, तो हम भेज देते थे कहाँ, हॉस्टल या स्कूल, कहीं ना कहीं वो कर रहे होते थे। और अगर किसी ने कोई एक्टिव नहीं है और अगर कोई थोड़ा सा आलस आ रहा है, तो हम दूसरे दिन का इंतजार करते थे कब दूसरा दिन आएगा। और दूसरे दिन मैं जाकर कहूंगा कि ये तो आलसी हो रही है, ये तो आलस में जी रहा है या ये आलस कर रहा है। अब आपके पास है, अब जब स्कूल्स खुलेंगे और जब सब कुछ वापस आएगा, अब हम देखेंगे, यानी कि जो जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं और जितने भी स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, अब वो देखेंगे कि आपने कितना किया, आपने कितना किया। ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आप टाइम दीजिए और टाइम के साथ में आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। जितना उनको इन्वॉल्व करेंगे, जितना उनसे आप बातें करेंगे, हर तरह का चाहिए। देखिए, एक अगर अगर एक बच्चा है, हर किसी की जिज्ञासा होती है कुछ नया जानने की, कुछ नया कीजिए। आप घर में कोई चीज नया कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उसके हैंड मूवमेंट्स थोड़े कम हो रहे हैं, आप चीजें एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़वाइए, थ्रो मत करवाइए, पकड़ाइए। अगर कोई सीपी है, अगर कोई दूसरे डिसेबिलिटीज के साथ है, आपको ज्यादा केयर करना पड़ेगा, कहीं यहां से यहां तक लाने में गिर ना जाए। अगर कोई VI है तो उसके साथ एकॉस्टिक हो जाइए। आप इंस्ट्रक्शंस क्लियर रखिए कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, फ्रंट जाना है या बैक जाना है। और यकीन मानिए कि जब एक बार जो CWSN के जितने भी बच्चे, चाहे वो किसी में हो, रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और रेट ऑफ रिएक्शन सब में डिफरेंट होता है। ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी है, यानी कि जो एबल्ड है उनके साथ भी है। ये अगर हमने मान लिया कि जो टाइम ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्टिंग टाइम है, ये अगर हमने मान लिया कि सब में डिफरेंट होता है, अगर ये हमने महसूस कर लिया और अंदर से एक्सेप्ट कर ली इस चीज को, तो शायद कई चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। घर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए, टाइम बाउंड रखिए, सबको टाइम बाउंड रखिए। जैसे अगर आप सुबह उठ रहे, ये नहीं कि कुछ एक्टिविटीज नहीं है, स्कूल नहीं है, कहीं संस्थान में नहीं जाना है, तो ये नहीं कि लेट उठ रहे हैं। ठीक है, आप पहले 4 बजे उठते थे या 5 बजे उठते थे, आप 15 मिनट डिले कर दीजिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप 9 बजे से 10 बजे के बीच में उठ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप सुबह उठिए, वॉक कीजिए। अगर वॉक नहीं है, मैंने एक कहीं पर कहावत सुनी थी, कहावत क्या देखा है मैंने कहीं के पास, आपने भी सुना होगा, एक नाम है जिम। अगर देखेंगे तो उनके दोनों लिंब नहीं है, ऊपर अपर भी नहीं है और लोअर भी नहीं है, यानी कि दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, लेकिन वो इतने सारे काम करते हैं, सारे काम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वॉक करना है, आप तो वॉक कर रहे हैं ना शाम को, तो उनको भी साथ में ले सकते हैं, आप साथ में उनको भी कराइए। अगर कोई व्हील चेयर बाउंड है तो उसके लिए उसी तरह की एक्टिविटीज, उसके हाथों में कोई वजन दे दीजिए ताकि वो जब लेके जाए, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी नुकीली चीज ना हो जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचाए,
अगर ऐसा कुछ होता है, प्रो रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव है या इस तरह से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो वो चीज नुकसान ना हो, वो हमारा दायित्व है। घर में कुछ ऐसी चीजें ना हो जहां पर वो कर रहा है, खासकर वीआई की अगर बात करें तो कुछ ऐसी नुकीली चीजें ना हो जहां से वो अगर थोड़ा सा उसकी मोबिलिटी इधर उधर भी होती है तो ओरिएंटेशन अगर वो होता है वो लग जाए। सिर्फ लग ही क्यों जाए, जब दूसरे हैं जो, अगर ये भी हो सकता है कि हमारा बहुत महंगा फ्लावर वास है, बहुत सारी यादें जुड़ी है उसके साथ, वो आपने रख दिया बिल्कुल कोने में, वो गिर गया, उसने गिराया नहीं है, वो हमने कोने पर रखा था इसलिए गिर गया। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी होंगी, और ये दौर ऐसा है जब आप वो चीजें समझ सकते हैं, खासकर उनके लिए जिनके बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं। अभी जिस तरह से प्रज्ञा मैम ने बताया कि सब लोग उनके साथ में वो जब काम करते हैं हॉस्टल में, एक अलग माहौल होता है, वहां पर ट्रेंड लोग हैं, वहां ट्रेंड लोग हैं, वहां सब कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, और एक अनुभवी प्रज्ञा मैम जैसे अनुभवी लोग हैं, मिश्रा सर जैसे अनुभवी लोग जब वहां पर मिलते हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज है, फिर बात आती है कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता है या आपको लग रहा है कि यहाँ डिफिकल्टीज आ रहे हैं, भाई आप इससे पहले भी तो बात करते थे, तो इससे पहले अगर बात करते थे तो उसके बाद में आप आज भी अगर आप देखते हैं तो आज भी बात कीजिए, जिन जहां वो काम कर रहे थे या जिस स्कूल में थे वहां पर आप बात कीजिए कि किस तरह से इनको हम करा सकते हैं। सो गेट देम इन्वॉल्व्ड, उनसे एक्टिविटीज करवाइए। एक्टिविटीज कोई अलग एक्टिविटी नहीं करवानी है, मैंने कहा ना कि बॉडी में जितने मूवमेंट्स हैं, फिंगर्स अगर हैं तो उनको क्लिंच करना है, उनको मुट्ठी बनानी है उनकी, उसको खोलना है, फिर जोर से मुट्ठी बंद करना है, फिर खोलना है, रिस्ट के मूवमेंट होने चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो क्या एल्बो में ऊपर नीचे है ना, और शोल्डर्स में आपका रोटेशन होना चाहिए, अगर चेस्ट है तो एक्सपेंशन होना चाहिए, तो उसमें आप दोनों हाथों को पीछे ले जाके कर सकते हैं, उससे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत अच्छे होंगे आपके, वो सेफ रहेंगे। अगर नेक है तो नेक में मूवमेंट होता है, ये नहीं कि एक ही जगह स्टिफ रख दिया, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, बैक नहीं लेके जाना है, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। कमर है तो उसका रोटेशन है, वो कर सकते हैं। तो नीचे अगर नी में जाएं तो नी रोटेट नहीं करना है, फ्रंट एंड बैक है, ये चीजें आप बैठ के भी कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की एक्टिविटीज आप घर में ही आराम से करा सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कीजिए, उनको कराइए एक्टिविटीज, और जैसे ही आप उनको कराने लगेंगे उनको मजा आने लगेगा, उनको एक इंटरेस्ट आने लगेगा करने में, और निश्चित ही वो लोग भी जिस तरह से मेंटली फिट होंगे, और फिर उनके चेहरे पे आप वही मुस्कान देखेंगे। आई होप कि जितने लोग भी सुन रहे थे आपको इस सेशन से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, सिर्फ मदद नहीं मिलेगी, आज के बाद अगर आप किसी को भी देख रहे हैं या किसी के साथ भी हैं तो उनको भी हेल्प करेंगे और यही करवाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में उन प्रैक्टिकल बातों को बताया जो सबके लिए लाभकारी है। आपने केवल एक विजुअली इम्पेयर्ड को ही नहीं बल्कि अन्य डिसेबिलिटीज से संबंधित अपने फिजिकली एक्टिविटीज को बताया उदाहरण देकर कि आप उन एक्टिविटीज से किस प्रकार हमारे सारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अच्छे लाभान्वित हो सकते। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम इस वेबिनार के समापन की तरफ हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि इस वेबिनार के अंत में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो इस क्वेश्चन आंसर सेशन के अंतर्गत आप जो प्रतिभागी लोग हैं वो अपने कोई भी क्वेरीज यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इसके लिए आज हमारी वेबिनार के जो विशेषज्ञ हैं श्री एमएल मिश्रा सर, श्री मिस प्रज्ञा भारद्वाज जी और श्री नरेश सर आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं प्रश्नों के लिए, आप लोग अपनी क्वेरीज पूछें। संभवतः अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। सबसे पहले मैं बाजी सर को मेरा विषय प्रणाम नमस्ते, और मिश्रा सर को नमस्ते। बहुत दिनों बाद सर की आवाज मैंने सुनी, मैं एमएसबीएससी पढ़ा हूं तो मिश्रा सर से की आवाज सुनने को मिली जी। बहुत अच्छा लगा, और बाकी सबको जितने जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत मजा आया। बस मेरा ये प्रश्न है योगा से संबंधित कि अगर हम योगा करते हैं कोई आसन हमसे गलत हो जाता है तो क्या इसका शरीर पर कोई गलत प्रभाव पड़ता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। जितेंद्र अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि यदि यदि मतलब कोई योगा में कोई आसन अगर मैं कर रहा हूँ और उसको करने का तरीका मेरा गलत हो गया तो क्या उसके शरीर पर कोई गलत प्रभाव पड़ेगा, उसके शरीर पर, ये कहने का ये था।
जितेंद्र, अगर आपको योगा अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि आप वीआई हैं, है ना, आप वीआई हैं, तो आपको एक चीज मैं बता दूं, किसी चीज को अगर आप कर रहे हैं तो योगा में किसी चीज के एक्सट्रीम मत जाइएगा बस। और वैसे कोई गलत प्रभाव ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं, बस यही है कि उसमें ज्यादा एक्सट्रीम तक, यानी कि उसको ज्यादा मत कीजिएगा। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर आप कोई ऐसा आसन कर रहे हैं जिसमें आगे झुकना है ना, तो उसको सिर्फ अपनी रीच तक कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए उसे, किसी भी चीज को झटके से मत कीजिए आप। हिम्मत सर, और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? सर लगता है उनको अपना जवाब मिल गया होगा। इनके अलावा किसी और का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो जी मैम। सर एक मेरा सवाल है नयाल सर से, जो एक्टिविटी जैसे प्रज्ञा मैम ने बताई, बहुत अच्छे सुझाव दिए प्रज्ञा मैम, मिश्रा सर और नयाल सर ने, जो ये एक्टिविटी है, जैसे हम वीआई के लिए तो हम ये कर सकते हैं, बट लेकिन आपको पता है कि जो वीआई नहीं है वो बच्चे ज्यादातर फोन में और ज्यादातर वो अदर एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको हम कैसे फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं? मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और आज के लिए जिस तरह से आज का जो टाइम है, बिल्कुल सही कहा, मोबाइल और मोबाइल स्क्रीन और इवन जो विजुअल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना, ये तो मानते हैं आप। तो इसी तरह से अगर उसको मोबाइल की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा हो, क्योंकि उसको हर चीज नया मिल रहा है, हर चीज नई चीजें वो उसको उसमें उसको देखने को मिल रही है। अगर आप गूगल की बात करें तो एक सर्च करते हैं उसमें हजारों लाखों चीजें आ जाती हैं। तो मेरा यहाँ पर आपसे यही सुझाव रहेगा कि अगर आपने कहा कि वीआई नहीं है और दूसरे अगर डिसेबिलिटीज के साथ में है, सिर्फ आप इतना कीजिए, या जनरल भी हैं बच्चे, ये मोबाइल का प्रॉब्लम सभी के साथ है, तो ये हाँ, इसमें करना क्या है आपको कि अगर आपको मोबाइल का है, टाइम लिमिट कर दीजिए, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे आप उसको कम कर सकते हैं, कि जहाँ वो ज्यादा यूज कर रहा है उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर उसने मोबाइल लिया हुआ है और अगर आप सामने बैठी हैं और आप भी मोबाइल लेके बैठे हैं या घर का कोई दूसरा मोबाइल लेके बैठा है, निश्चित तौर पर वो भी करना चाहेगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं चलो हम कुछ करते हैं, एक काम करते हैं, या मैं आपको बॉल पास कर रही हूँ, या आप इस तरह से करो, वो मोबाइल वहां पर रख देगा, ड्रॉप खुद ही रख देगा या खुद ही रख देगी, और उसके बाद में आप जब उसको इन्वॉल्व करने लगेंगे फिर आप पे डिपेंड करता है, आपको थोड़ा सा समय देना होगा उस चीज को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। प्रज्ञा मैम के लिए एक क्वेश्चन है जी। हम ओडिशा से बोल रहे हैं, लुईस बेल स्कूल फॉर द ब्लाइंड जी, सुन रहे हैं? जी मैम सुन पा रही हूँ। हमारे स्कूल में एक बच्चा आया है जो आर्टिस्ट है और फिर ब्लाइंड भी है, आप बताएंगे उसको उसका कैसे फिजिकली एक्टिविटीज का डेवलपमेंट किया जा सकता है? मैम ये दो डिसेबिलिटीज वैसे तो बहुत ही एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, लेकिन फिर भी मैंने भी एक ब्लाइंड और ऑटिस्टिक बच्चे के साथ में काम किया था जब मैं भोपाल में थी। तो हम लोगों ने क्या किया था, उसके साथ सेंसरीज पे काम किया था, है ना, जो उनका स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ऑटिज्म अगर आप देखेंगे तो उनके भी सेंसरी नीड्स होती हैं, मतलब सेंसरी उनका एक ऐसी चीज होती है जिसपे आप उनको कुछ सिखा सकते हैं, जिसपे आप काम कर सकते हैं। ऐसे ही ब्लाइंड लोग होते हैं, उनकी सेंसरीज बहुत तेज होती हैं, है ना, उनके सेंस मेरे को लगता है कि मुझसे ज्यादा तेज होते हैं, मतलब नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा तेज होते हैं जो हमारे ब्लाइंड बच्चे होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करके उनके साथ सेंसरी पे काम करेंगे तो ही हम उस पर काम कर पाएंगे। टेक्टाइल आप देख सकते हैं उनको, फिंगर्स से अगर कुछ आप उनको करा के, पर पहला काम होगा उसमें इन इन बच्चों के लिए आपको इनको सेल्फ रिलायंट बनाना, उनको खुद पे आत्मनिर्भर बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो बेसिक से शुरू कीजिए, और अगर आप आगे भी गाइडेंस या फिर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि इन पे बहुत ज्यादा लोगों को, सबको अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करके अगर हम काम करेंगे तो हम एक बच्चे के लिए जरूर कुछ अच्छा कर पाएंगे। ना उसका जो डेली लिविंग स्किल्स हैं, पहले उसका डेवलपमेंट कराना है डेली लिविंग स्किल्स। बिल्कुल मैम, सबसे पहले डेली लिविंग का। तो कैसे उसका तो वेयरिंग है, तो ड्रेस वेयरिंग है, कैसे उसको सिखाना है? वो डे केयर बच्चा है, वो आता है और फिर उसका जो पेरेंट्स है लेके चले जाते हैं उनका घर। अच्छा, तो मैम डे केयर अगर बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए, उनको रोज का टास्क दीजिए, है ना, कि आज उसको आप, हम हमेशा जब भी एडीएल पे काम करते हैं तो हम बैकवर्ड चेनिंग से काम करते हैं,
हम लोग उल्टा काम करते हैं, हम लोग पहनना सिखाने से पहले उसको टी शर्ट निकालना बताएंगे, है ना, बटन लगाने से पहले बटन खोलना सिखाएंगे, क्योंकि ये इजी स्टेप्स होते हैं। शुरुआत वहां से करते हैं जहां से फेलियर नहीं आता, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तो आपको पहले जब काम करना है उसके लिए तो पॉजिटिव रिजल्ट आए, ऐसा तभी वो रीइंफोर्स हो पाएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा आपको उसके लिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। और मुझे लगता है काफी लोगों के जो सवाल थे वो पूछे जा चुके होंगे। अब हम चूंकि वेबिनार के समापन की ओर हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ सर, अब आ रही है आवाज। जीडी आपका क्वेश्चन था कि अगर हम योगा कर रहे हैं कोई एक्सरसाइज, अगर उसको हमें पता नहीं है तो उससे कोई नुकसान है या नहीं, ये आपका क्वेश्चन था? जी जी जी, है ना जीडी, अगर आपका अगर आप योगा कर रहे हैं, है ना, किसी भी आसन को एक्सट्रीम मत कीजिए, और दूसरा जर्क देखने झटके से नहीं कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई भी ऐसा आसन अगर आप कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ को झुक रहे हैं या पीछे की तरफ को जा रहे हैं, है ना, तो उसको आप धीरे धीरे कीजिए और धीरे धीरे प्रोग्रेशन से कीजिए, तब उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप उसको झटके से करेंगे तो हो सकता है किसी मांसपेशी में आपका खिंचाव आ सकता है। सर आई एम राम सिंह, आई वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन। सर एक्चुअली जैसा कि हम जानते हैं कि ऑफकोर्स सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और सारी चीजें ऑनलाइन हम सर्कुलेट कर रहे हैं, सो व्हाट कैन स्पेशल स्कूल्स डू इन ऑर्डर टू रीच दोज पीपल जिनका ऑनलाइन इंटरनेट एक्सेस नहीं, मतलब ऑनलाइन एक्सेस ज़्यादा नहीं है? क्योंकि हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि ज़्यादातर जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं डिसेबिलिटी या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो स्कूल में आ गए तो उनका पेरेंटल या फिर जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उनको वो सारा एक्सेस मिल पाए। तो हम जैसा कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि गवर्नमेंट्स ने ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशंस दिया है, बहुत स्ट्रांग गाइडलाइंस भी होंगी, बट जो प्रैक्टिकल जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड रियलिटी है, वे दैट स्टैंड्स वेरी फार फार अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। सो मैं चाहता हूँ कि व्हाट स्पेशल स्कूल्स कैन डू इन ऑर्डर टू रीच ऑल दीज पीपल, मतलब उन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उन लोगों को अवेयर करने के। मिस्टर राम सिंह सर, एज यू हैव आस्क्ड दैट इफ दोज हु आर नॉट एक्सेसिंग टू इंटरनेट एंड ऑल, दे हाउ दे कैन रीच टू द स्पेशल स्कूल्स, और हाउ स्पेशल स्कूल्स कैन रीच टू दोज इंडिविजुअल्स, दोज हु आर नॉट हैविंग एंड्रॉयड फोन और दोज हु आर नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट। दैट वॉज योर क्वेश्चन सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, sir. Exactly. If you see that even I'm residing in Dehradun, है ना, मैं देहरादून में रह रहा हूँ, और देहरादून में रहते हुए अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो I'm zero. बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन we can reach them. Actually होता क्या है कि हमारे पास एक न एक कोई ऐसा नंबर रहता है जहाँ पर हम उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या किसी रिलेटिव का रहता है। Now this happens to the responsibility of those institutions where they were residing before COVID-19 or after COVID-19, they will be joining the same institute, है ना, वो उसी चीज उसी institute को join करेंगे या वहीं पर रह रहे होंगे। तो हमारा ये फर्ज बन जाता है special schools का कि किसी न किसी तरह से वो चीज उनसे connect होने की कोशिश करें, और उनको उनके जो parents हैं या guardians हैं उनको बताएं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से फिजिकली उनको फिट रखना चाहिए, then it is possible even without having those fast internets and all. I hope I have answered your question, sir. Sir, thank you so much. And lastly, I would heartiest congratulations to all our great dedicated teachers for having such a wonderful and prolific result. Also, my heartiest congratulations to the director as well as principal and all the people associated to our school who are doing a commendable job in order to get and achieve huge amount of success. Many many congratulations to all of you teachers. Thank you very much. So, main vote of thanks ke liye aamantrit karta hoon Shri Harish Kumar ji ko, jo Moral School for the Visually Handicapped mein PGT hai. Shri Harish sir ji, धन्यवाद हिम्मत सर। अब हम आज के वेबिनार के अंतिम पड़ाव की अंतिम कड़ी की ओर पहुंच चुके हैं, और
इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जो निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास जी का, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में संस्थान की सफलता की नई इबारत लिखते जा रहे हैं। सर धन्यवाद, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से और लंबा अनुभव जो हमें मिलता रहे इस, और ये मैं इसका आभारी हूँ। और इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर जसमेर, असिस्टेंट प्रोफेसर NIEPBD ICTCTVH इंचार्ज। सर आप 110 संस्थान के सानिध्य जो है नेतृत्व कर रहे हैं जो ICTVH के है, अपना व्यस्तम जो आपने हमें मूल्यवान समय दिया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जसमेर सर। और मैं अब धन्यवाद देता हूँ अमित शर्मा जो हमारे कार्यकारी प्रधानाचार्य है। सर धन्यवाद, आपके नेतृत्व में कार्यकारी प्रधानाचार्य की जो सानिध्य में जो हम कार्य कर रहे हैं और इस वेबिनार को संपन्न करने में आपका बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूँ मनोज सरकार सर, जिन्होंने हमारे दिव्यांगता के क्षेत्र के बच्चों को 30 देशों की जो जर्नी की थी और उसका अनुभव जो है हमारे सब प्रतिभागियों को जो दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसको भी रोशन किया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन अवार्डी है जो है मनोज सरकार सर का। और हमारे संस्थान में जो पहले पूर्व में कार्यरत ML मिश्रा सर PI, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में अगर भीष्म पिता कहा जाए तो भी कम होगा, क्योंकि आपने जो है सर्वप्रथम देश विदेश में, अगर मुझे लगा कि शायद ही आपने ही इन दृष्टि दिव्यांग के क्षेत्र में बच्चों को जो है जर्नी कराई है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप हमारे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आगे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस प्रज्ञा भारद्वाज मैम का, प्रिंसिपल तरंग स्कूल ऑफ डिफरेंटली एबल। आप खेल के क्षेत्र में जो है एक सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि आपने कई खेलों में अपना योगदान दिया है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे अनुभव आपने हमसे जो है हम सबको लाभान्वित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने नरेश सिंह नयाल सर, जो किसी धन्यवाद के पात्र का मतलब है कि उन्होंने इतना बहुत सारे योगदान दिया है इस वेबिनार में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, और साथ में जो लाभान्वित किया है सब लोगों को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ में धन्यवाद दूंगा हमारे साथी हिम्मत सर TGT MSBH, जिन्होंने इस वेबिनार को करने में जो कंडक्ट करने में मॉडरेट का जो काम किया है वो बहुत ही बखूबी निभाया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस कुशल नेतृत्व के लिए। और मैं अपनी टीम अमित सिंह सर, शुभम कनौजिया सर और भावना नैयर सर जो टेक्निकली सपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि इनके बिना ये वेबिनार संपन्न करना बहुत मुश्किल था और समय समय पे जो हमारे बीच में कहीं ना कहीं टेक्निकली सपोर्ट की जरूरत थी वो लगातार प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मिलती रही। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस वेबिनार को संपन्न करता हूँ और धन्यवाद NIEPBD की ओर से, और आपने जो समय दिया है, सभी को जो प्रतिभागी है उनका भी धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें इस COVID-19 में, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।